हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या हमको अपनी कार हाई आरपीएम्स में चलानी चाहिए कि नहीं। कई लोगों को ये डाउट रहता है, कई लोग पूछते भी हैं मुझसे क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पूछा है लोगों ने, एंड मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि इसके बारे में आप लोगों को बताऊं। तो आज आरपीएम के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या इससे आपकी कार को कोई नुकसान होता है, क्या आपको नहीं चलानी चाहिए या फिर कोई नुकसान नहीं होता है। सारी चीज़ें इस वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, जैसे कि सबको पता होगा कि जब कार आइडल पे रहती है, कोई भी हो, डीजल हो या पेट्रोल हो, ऑलमोस्ट 800-900 आरपीएम पे होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर मेरी कार में फोर्ड फ्री स्टाइल में जो है मीटर थोड़ा सा छोटा है साइज में, तो इसमें उतना डिफरेंस आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट ये 1 से थोड़ा नीचे, अगर मैं अपने विजुअल से आपको बताऊं तो कैमरा में उतना पता नहीं चल रहा होगा। तो कार इस वक्त आइडल पे आप देख सकते हैं, खड़ी है कार, एंड इस पे आप देख सकते हैं 800-900 आरपीएम पे रहती है कार। तो यूजुअली लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम 5000 आरपीएम पे, 6000 आरपीएम पे पेट्रोल कार्स में या डीजल में 4000-5000 आरपीएम पे कार चलाते हैं, तो क्या उससे कोई कार को वेयर एंड टीयर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पेट्रोल में, जैसे कि आप देख सकते हैं, कार सारी जो कार इंडियन मार्केट में आती हैं वो ऑलमोस्ट 6500 तक रेव करती हैं, एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिटर भी बना होता है, रेव लिमिटर यहाँ से किक इन भी हो जाता है इस कार में, जैसे कि अभी आप इस वीडियो के विजुअल में देख सकते हैं, फिर उसके आगे स्पीड नहीं जाती है। तो रेव लिमिटर इसीलिए लगा होता है कार में कि यहाँ तक तो मैन्युफैक्चरर्स को भरोसा होता है अपने इंजन पे कि यहाँ तक तो कोई वेयर एंड टीयर नहीं होने वाला है 6500 आरपीएम तक या 7000 आरपीएम तक, उसके बाद ये नहीं चाहते हैं इंजन इससे ज़्यादा रेव करे, तो इसीलिए यहाँ पे लिमिटर लगा होता है। फिर जैसे ही आप कार में इससे आगे जाने की कोशिश करते हैं तो फ्यूल की सप्लाई कट होने लगती है, आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, फिर आपको गियर अपशिफ्ट करना पड़ता है। तो ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट हाई आरपीएम पे जाने का। एंड उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि क्या हाई आरपीएम पे चलने से कोई वेयर एंड टीयर होता है, तो अगर मैं पेट्रोल कार के हिसाब से पहले बताऊं कि हाई आरपीएम होता कितना है, मतलब हाई आरपीएम हम माने किसको, 1000 आरपीएम को हाई आरपीएम मान ले या 3000 को हाई आरपीएम मान ले, तो मैं आपको बताऊं पेट्रोल में अगर आप हाई आरपीएम को मान के चलें तो वो ऑलमोस्ट 4000 प्लस से ही शुरू होते हैं, 4000 से लेकर 6000 तक मैं कह सकता हूं ये हाई आरपीएम बैंड आप कह सकते हैं कि इस पे यूजुअली लोग सोचते हैं हाई आरपीएम है, तो यही आप मान के चलिए कि 4000-6000 पेट्रोल के लिए हाई आरपीएम बैंड है। एंड अगर मैं डीजल के लिए बताऊं तो यहाँ पे डीजल के लिए तो 6000 आरपीएम तक ही होता है, तो डीजल के लिए आप समझ सकते हैं कि 3500 से 5000 तक जो है हाई बैंड होता है उसका, हाई आरपीएम बैंड होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे पेट्रोल और डीजल के हिसाब से। अब मैं बात करूँ क्या इससे वेयर एंड टीयर होता है इंजन को, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको इसमें दो चीज़ें हैं कंडीशंस के साथ है, सबसे पहले मेरा जवाब ये है कि वेयर एंड टीयर होता है कि नहीं, तो वेयर एंड टीयर नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशंस भी हैं कुछ कि वेयर एंड टीयर क्यों नहीं होगा, कब नहीं होगा। वेयर एंड टीयर हो भी सकता है बट नॉर्मली नहीं होगा, एंड ये कब नहीं होगा वेयर एंड टीयर, जब आपकी कार टोटली टाइम पे सर्विस्ड होगी, मेंटेन्ड होगी, आपकी कार में कोई भी चीज़ें ड्यू नहीं होंगी, मतलब आपका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल का लेवल, कूलेंट लेवल, ब्रेक फ्लूइड्स का लेवल, वैसे ब्रेक फ्लूइड्स का लेवल तो ब्रेक से रिलेटेड है तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं, बट ओवरऑल सर्विस में ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आपके सारे ल्यूब्रिकेंट जो कार के होंगे वो टाइम टू टाइम सारे सर्विस पे चेंज हुए होंगे, फ्रेश होंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, तो आपकी कार को आप कितना भी रेव कर लीजिए, 6000 आरपीएम पे चला लीजिए, 4000 पे चला लीजिए, 5000 पे चला लीजिए, आपकी कार को वेयर एंड टेयर नहीं होने वाला है, क्योंकि इंजन बना ही है उतने आरपीएम पे रेव करने के लिए। अगर नहीं वेयर एंड टेयर होता तो कंपनी बहुत लो पे ही आपको रेड लाइन दे देती, तो इंजन की कैपेसिटी होती है, एंड इनफैक्ट इंजन की कैपेसिटी मैं आपको बताऊं 8000 आरपीएम तक जाने की आराम से होती है, बट मैन्युफैक्चरर्स उसको ऑन द सेफर साइड रखने के लिए पहले ही लिमिटर लगा देते हैं, 6500 से 7000 तक लिमिटर हर कार में किक इन हो जाता है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है। सो बट कार में वेयर एंड टीयर हो सकता है, पिस्टन्स में हो सकता है, बॉल बेयरिंग्स में हो सकता है, वो कब हो सकता है, जब आपकी कार टाइम टू टाइम आपने सर्विस नहीं कराई है, आपका इंजन ऑयल जो है पुराना हो चुका है या जल चुका है, आपने ज़्यादा चला दी है 10000 किलोमीटर, जितना आपका सर्विस इंटरवल है उससे ज़्यादा आपने कार चला दी है, तब मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप कार को हाई आरपीएम पे चलाएं, तब वो कार के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है, इंजन सीज भी कर सकता है कुछ कंडीशंस में, ये सारी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। सो इसके साथ कंडीशन ज़रूर लगी हुई है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान में दीजिएगा। कार में अगर आपके सर्विस टाइम पे नहीं हुई या आपकी सर्विस ड्यू है, मान लीजिए आपकी 10000 किलोमीटर पे सर्विस होती है कार की,
आपने नहीं करवाई अभी, आपको करवानी है, एंड आप किसी ट्रिप पे 100 या 200 किलोमीटर की ट्रिप पे आप निकले हुए हैं, तो हाँ कार जा सकती है ड्यू सर्विस के साथ भी। आपका मन होगा कि आप आने के बाद सर्विस अपनी करा लेंगे कार की। सो उस कंडीशन में जब आपकी कार का सर्विस इंटरवल ड्यू हो चुका है, उस समय मैं आपको कहूंगा कि अपने आरपीएम बैंड्स को 3000 के नीचे रखिए या 3500 के नीचे ही रखिए। उससे ऊपर रखेंगे तो फिर आपके इंजन को वेयर एंड टेयर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपका इंजन ऑयल जो है वो काला हो चुका रहता है। अगर आप अपनी स्टिक निकाल के देखेंगे तो काला हो गया रहेगा, उसकी ल्यूब्रिकेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज है ल्यूब्रिकेंसी वाली, वो सारी चीजें उसमें से काफी कम हो गई होंगी। एंड जब इंजन हाई आरपीएम पे रेव करता है तो सीधी सी बात है उतने ज्यादा रेवोल्यूशंस करता है। सीधे इसका फुल फॉर्म भी रेवोल्यूशन पर मिनट ही होता है। तो रेवोल्यूशन जब ज्यादा होंगे तो ल्यूब्रिकेशन इंजन को ज्यादा चाहिए होगा, जो कि आपकी कार के जले हुए इंजन ऑयल से नहीं मिलेगा। देन वहां पे आपकी कार में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक कंडीशनल चीज है। मतलब ऐसे तो आप नॉर्मली, अगर जैसे मेरी कार टाइम टू टाइम सर्विस है, मैं कई बार चलाता भी हूँ, जैसे कई बार रेव कर दी 5000-6000 तक, लेकिन फिर मैं वापस आ जाता हूँ 3000 के आरपीएम के बैंड के आसपास ही रहता हूँ। सो उसमें क्या है कि हाई आरपीएम पे आपका माइलेज भी रिड्यूस हो जाता है। बट हाँ, अगर आप इंथुसियास्ट हैं तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा आपकी कार की, कि आपकी कार टाइम पे सर्विस्ड होनी चाहिए। उसके बाद आपका इंजन ऑयल एकदम ऑन पॉइंट होना चाहिए, आपका कूलेंट ऑन पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि कार हीट भी काफ़ी ज़्यादा होती है इस समय। जब आप हाई आरपीएम से रेव करते हैं तो इंजन को टेम्परेचर जो है, हीट जो जितनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल जाती है। सो ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपका कूलेंट नहीं है, सही से टॉप अप नहीं है, तो वहां पे आपके इंजन में फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। सो कूलेंट भी आपका टॉप अप होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। एंड आज के कार में कूलिंग सिस्टम इतने एडवांस्ड है कि इंजन को ठंडा वो कर देते हैं, इसलिए तो कोई प्रॉब्लम की बात उसमें भी नहीं आती। एंड एक और कंडीशन यहाँ पे बनती है जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हैं कार को, मतलब आपने 2 दिन 3 दिन या 10 दिन या 15 दिन एक महीना खड़ी रखी अपनी कार, एंड उसके बाद आप कार को ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे आपके आरपीएम्स ऑलमोस्ट 1500 तक उठ जाते हैं, कभी कभी किसी कार में 2000 तक भी उठ जाते हैं। सो आरपीएम्स हाई रहते हैं उस वक्त, क्योंकि इंजन अपने जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है उस पर जल्द से जल्द आना चाहता है, ताकि वो आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दे सके। तो जब इंजन कोल्ड होता है, ठंडा होता है, तो उसका जो इंजन ऑयल होता है वो चैम्बर में पूरा जाके नीचे सेटल हो चुका होता है, इंजन में वो ऑयल नहीं रहता है। एंड उस समय अगर आप कार को ऐसे रेव कर दे तो उस टाइम आपके कार को काफी भारी नुकसान होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने कार को रेव कर दिया है एंड आपकी कार में इंजन ऑयल पूरी तरीके से सर्कुलेट हो ही नहीं पाया है। तो इंजन में जब ल्यूब्रिकेशन होगा नहीं, आप इंजन को हाई रेवोल्यूशंस पे ले जाएंगे, सो डेफिनेटली इंजन में वेयर एंड टियर होगा। सो इन कंक्लूजन में अगर आपको बताऊं तो आपको जो कार का आरपीएम बैंड है जिसमें कार सबसे ज्यादा सेफ रहती है, सेफर साइड पे आप चलें, तो 2000 से 4000 आरपीएम वो आरपीएम बैंड है जिसमें कार का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। एंड लिटरली कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका 6000 आरपीएम पे भी अगर आपकी कार मेंटेन्ड होगी एकदम टाइम टू टाइम। सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा इन कंक्लूजन। एंड कार को अपने आप आराम से चला सकते हैं, कोई डर की बात नहीं है। आपने बीच बीच में हाई आरपीएम पे थोड़ा फन ले लिया कार से तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो ओकेजनली आप कर सकते हैं। सो उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 कंडीशन है, कार कोल्ड स्टार्ट नहीं होनी चाहिए आपकी, प्लस आपकी कार मेंटेन्ड होनी चाहिए, सारे ल्यूब्रिकेंट्स कार के ऑन पॉइंट होने चाहिए। तो बस ये 2 चीजों का ध्यान दीजिए, आपकी कार को हाई आरपीएम पे चलने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये आप टेंशन अपने मन से निकाल लीजिए। एंड अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा, सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो गई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट बचा है इस टॉपिक से रिलेटेड, हाई आरपीएम से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट्स के आंसर मैं डेफिनेटली दे दूंगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं, यहाँ मेरी इंस्टाग्राम ID है। एंड अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नीचे रेड कलर का बटन है दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, हेलमेट पहनिए एंड सेफ चलिए। गुड बाय।